हमारे जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की लैंड है, यहाँ हमारे अलग अलग प्रोजेक्ट के काम चल रहे हैं। मेन यहाँ पे कैटल पार्ट एक जो हमारा शहर में कैटल की बड़ी एक बड़ा कैटल शेड भी यहाँ हम बना रहे हैं। आज यहाँ बाथरूम लेडीज जेंट्स जो यहाँ हमारा स्टाफ होगा, यहाँ UNDP का भी एक ऑलरेडी यूनिट चल रहा है, जितना भी सिंगल यूज प्लास्टिक है पूरे शहर का इकट्ठा होकर यहाँ आता है, यहाँ उसको प्रोसेस किया जाता है। इसी तरह कैटल पार्ट और भी अलग अलग जो हम यहाँ काम कर सकते हैं, हॉर्स के लिए एक अलग ऐसा शेड बनाएंगे। और इस ज़मीन जो हमारी है इसको हम कवर कर रहे हैं, इसका पहले चैन फेंसिंग का काम किया है, वो भी हो गया लगभग 17 लाख का वो काम था, वो भी कंप्लीशन की तरफ चल रहा है। डीप ड्रेन बनाई हमने, जो पानी सारे पीछे मोहल्ले के पानी आता था उसको वो सीधा चला जाए नीचे नाले की तरफ। और भी इस ज़मीन को कैसे बचाया जाए, आज शहर के अंदर ये ज़मीन है, जब से मैं मेयर बना हूँ मेरा पूरा फोकस, और मेरे साथ जहाँ हमारे सीनियर लीडर बलदेव बलोरिया जी जो हमारे चेयरमैन भी रहे हेल्थ एंड सैनिटेशन के, और हमारे चीफ भी हमारे प्रमोद कपाई जी, और साथ में लगती जो हमारी बार्ड हैं यहाँ 53 नंबर से हमारे भाई ऑनरेबल कॉर्पोरेटर प्रीतम सिंह जी, और वार्ड नंबर 58 जो साथ लगती है वो भी वहाँ की तीर्थ कौर मैडम, और हमारे सीनियर लीडर जहाँ आज आए हुए हैं परमजीत सिंह जी हमारे छोटे भाई। और मैंने यही कहा कि ये चार बाड़ें इस ज़मीन के साथ लगती हैं, ताकि भले ही म्यूनसिपलिटी से बाहर है ज़मीन, लेकिन ये इनका फ़र्ज है, हम कस्टोडियन हैं, लोगों ने हमको चुन के भेजा। सनी कुमार सर, सनी जी जिस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से गार्डन निकाला गया, जितने भी पेड़ पार्किंग को बंद कर दिया है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर ये सारे यहाँ से आ रहे हैं घूमने के लिए और देख रहे हैं गेट पे ताला लगा है, यहाँ पे एक बोर्ड लगना चाहिए सर, नोटिस बोर्ड, तो जो देख के खुद चले जाए, पूछते हैं अगर पार्क बंद है, पार्क बंद है तो इतना अच्छा निर्णय है सरकार का कि पार्क को बंद कर दिया। बिल्कुल सही किया सर, ऐसे कोरोना फैलने का ज़्यादा वो है चांस है, लेकिन बचाव के लिए बिल्कुल सही है, लेकिन लॉकडाउन भी लगना नहीं चाहिए, लेकिन 10 बजे तक करना चाहिए इनको। हम ऑटो चलाते हैं यहाँ पे, हमारा काम ही नहीं निकलेगा इधर। चले 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 चले, उनको बस वालों को बाहर चलो, बस वालों आपकी वसादत से हम गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं कि 370 से लेकर आज तक गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई इमदाद नहीं मिला। दूसरी बात, पिछले साल कोविड की वजह से हम कितने मुतासर हुए ये आप सब जानते हैं, मगर गवर्नमेंट को इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस टाइम फिर एक बार कोविड की लहर पूरे मुल्क में फैल रही है, गवर्नमेंट ने यहाँ से फिर एक बार एक ऑर्डर और निकाला कि आप 50% पैसेंजर्स को गाड़ी में बिठाओ। ठीक है, अगर गवर्नमेंट चाहती है हम 50% के हिसाब से पैसेंजर को गाड़ी में बिठाए, तो हमें 50% के हिसाब से किराया भी इजाफा होना चाहिए, मगर गवर्नमेंट दस से मस नहीं हो रही है। हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुला रहे हैं कि गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि गाड़ी के मालिकान जो है ऊपर से उनके बैंक के
लोन की गाड़ी के ऊपर है, दूसरी तरफ कंडक्टर से गरीब तबका है, ड्राइवर हजरात भी गरीब तबके से वाबस्ता रखते हैं। इसलिए हम गवर्नमेंट से चाहते हैं कि वो हमारी डिमांड को समझे और इस पर गौर करें। यहाँ इस वक्त जमा हुए हैं क्योंकि सारे ट्रांसपोर्टर हजरपुर जो यहाँ गाड़ियाँ चलती है हजरपुर से, तो हम इस नतीजे पर पहुँचे कि हमने आज बंद किया है, लेकिन ना हमारी लड़ाई पुलिस के साथ है ना गवर्नमेंट के साथ है। हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारे साथ इंसाफ किया जाए, क्योंकि ये बोलते हैं 5 सवारी गाड़ी में डालो और निकलो, उसमें हमें कोई बराबरी नहीं है। 5 सवारी में ड्राइवर को तेल जेब से ही डालना है, और हम निकलते हैं काम पे, पुलिस का हमें चालान करते हैं, मगर पुलिस क्या करे, उसको तो गवर्नमेंट ऑर्डर फॉलो करना है, उसके साथ हमें कोई लड़ाई नहीं है। ऑलरेडी हम अपने टैक्सी मैक्सी कैब फेडरेशन के साथ वाबस्ता है। गवर्नमेंट के जो अपने पंप है, तेल के पंप है, वो हमें शाम को तेल डाला करें, हम 5 सवारे लेके चलेंगे और जो रेट गवर्नमेंट फिक्स करेगी उसी के हिसाब से हम चलेंगे। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि ये चलें, तो हमारा इंश्योर था 17,000 रुपया, अब 26,000 है, तो उसमें आधा करें। हमारा टोकन टैक्स था 2400 या 2000 रुपया, अब आज 5,000 हो गया है, उसमें काम करें, हम चलने के लिए तैयार हैं। बता रहे हैं आपको जे एंड के का अभी तक इसमें 56 केस आए हैं कोविड-19 के, और 817 जम्मू से आए, 1340 कश्मीर से आए, और 10 डेथ हो चुकी है, जो 3 रात कल मन की बात में श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे कश्मीर के नवीन से बात की, डॉक्टर नवीन ने अपना शेयर शेयर किया, उन्होंने ये कहा कि अगर सही तरीके से बचाव जिनमें 2812 डेथ हो, और रिकवरी रेट भी बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है, वैक्सीनेशन का प्रोसेस भी तेजी से चल रहा है, ऑक्सीजन की कमी आ रही थी उसको भी भारत सरकार द्वारा पूरा किया जा रहा है, बाहर के देशों से भी मदद मिल रही है, भारत को इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, लोगों को पैनिक नहीं होना चाहिए। PHC हॉस्पिटल में जाकर वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा लोग करवाएं, अगर आपकी सैंपलिंग ना हुई है तो आप वहाँ जाकर अपनी सैंपलिंग करवाएं। ये महामारी जो है एक विकराल रूप ले चुकी है और ये एक जानलेवा बीमारी है, कभी भी हम अपनी जान से गुआ बैठेंगे। तो मेरी आप सब लोगों से अपील है कि आप PHC हॉस्पिटल में जाकर वैक्सीनेशन करवाएं और सैंपलिंग करवाएं, ताकि इस महामारी का पता चल सके। जय हिंद, जय भारत। खैर मकदमे नाज़रीन, आपको JK न्यूज़ ब्रेक से मैं आज आपको ये बताता चलूँ कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो फैसला लिया है, बिल्कुल एक सूदमंद फैसला लिया है, क्योंकि जो बांडीपुरा का मेन मार्केट है, आप देख सकते हैं इस वक्त दो हिस्सों में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसको तकसीम किया है, ये जो मेरे दाई ओर है बिल्कुल बंद है और बाई ओर है बिल्कुल खुला है। हम दाद देना चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो भी फैसला लिया, लोगों के हित के लिए फैसला लिया, लोग काफ़ी भीड़ करते थे इस मार्केट में, आप देख सकते हैं इस वक्त बिल्कुल भीड़ कम है, आप जान सकते हैं इस वक्त मैं अपने कैमरा में से कहता आप दिखाई इस वक्त जो पूरा एरिया है लोग चलते फिरते हैं, लेकिन जो इसका दाया साइड है वो बिल्कुल बंद है और बाया साइड है बिल्कुल खुला है, आप देख सकते हैं लोग मास्क वेयर करते हैं, लोग बिल्कुल SOPs का फॉलो करते हैं, लोग बिल्कुल क्लियरेंस देते हैं क्योंकि वो कोविड को जीतने नहीं देंगे। कैमरामैन अमर अफजल के साथ बांडीपुरा से बशीर खान के साथ खुदा हाफिज। We want justice. 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 We want justice.
हमारी तनख्वाह है हमें रेगुलर करो वही वाट हमारी तनख्वाह है SRO 520 को। मैं हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड हेल्थ एम्प्लॉयज का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ यूटी जम्मू कश्मीर का, और मैं जेएलएनएम हॉस्पिटल से बिलोंग करता हूँ। हमारी 14 महीने की तनख्वाहें पिछले 14 महीने के, आपको पता है कि हर दुनिया में वबा फैल चुका है, लेकिन हम उस वबा में फंस भी गए हैं और बिना वजह हमने अपने बच्चों को भी फंसाया है। हमारी तनख्वाहें पिछले 15 महीनों से नहीं दी गई है, और सरकार अरबों और करोड़ों की बातें करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज़मीनी हकी पर अगर हम देखेंगे कहीं पर एक रुपया भी आता है, क्योंकि हम लोगों की वजह से ये जो कोविड पेशेंट्स हैं हम उनके और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं, आप लोगों को पता है, और यहाँ भी हम रिस्क पर आए, हम मजबूर हैं, सरकार ने हमें मजबूर कर दिया, और हमने एक फैसला कर लिया है कि हम स्ट्राइक पे बैठेंगे। लेकिन आज एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई, एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला हमें 3 दिन का वक्त दीजिए, 3 दिन हम फिर वेट करेंगे। आपकी वसादत से मैं एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ की गवर्नमेंट इंतजामिया और लेफ्टी गवर्नर और डायरेक्टर हेल्थ से ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारे बच्चों का मसला है, ये हमारी रूजी का मसला है, ये हमारे घर वालों का मसला है, हमारी फीस नहीं अदा की, हमारी बच्चों को निकाला जा रहा है, संतोष मसला है, बर्निंग इशू है। अगर सरकार ने इन 3 दिनों में भी अड़े रहे, तब उसी हॉस्पिटल के नीचे अपना दम आखिरी दम तक लड़ेंगे जब तक हमारी सैलरी रिलीज नहीं हो जाए। जो शख्स आ गया उसके जितने कॉन्टैक्ट से उनको आइसोलेट किया जाए, आइसोलेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ हम एक कोविड कमांड सेंटर भी सेटअप कर रहे हैं जो शॉर्टली फंक्शन हो जाएगा। मैं अभी विजिट करके आया हूँ कई सारे हॉस्पिटल्स में, इस वक्त ऑक्सीजन की डिफिशेंसी की बात नहीं है, उस स्टेज पर नहीं है, और हम ऑक्सीजन कैपेसिटी जो है वो बढ़ा रहे हैं। हमारा SMHS में, उसके बाद CD हॉस्पिटल, कश्मीर नर्सिंग होम, और इन ये जो 3 हॉस्पिटल हैं इनमें शॉर्टली हमारी जो ऑक्सीजन कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, और पूरे श्रीनगर में हम 3500 लीटर्स पर मिनट की जनरेशन जो है वो मज़ीद ऐड कर रहे हैं, जिसमें अगर आप पूछें तो हमारा जो CD हॉस्पिटल में तकरीबन 10 से 15 दिन के बीच में ऐड हो जाएगा। कश्मीर नर्सिंग होम में सिर्फ 4 दिन के अंदर 1500 LPM का प्लांट जो है वो फंक्शन हो जाएगा। SMHS में जो है 2 दिन के अंदर 1000 LPM की मजीद कैपेसिटी ऐड हो जाएगी, और ये जो मैं बता रहा हूँ ये इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है। और भी जो है इसको भी डाल देंगे, और भी डाल देंगे, इसको डाल देंगे ना, और
खर्चा डाल हुई है। अच्छा सवाल आपने पूछा है। असल में मैंने हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक प्रोजेक्ट सेंक्शन करवाया था जट्रोफा गर्गस स्पीशीज की प्लांटेशन के लिए, 4,000 प्लांट्स थे और उसके लिए मुझे यहाँ शीदरा में ही लैंड मिली थी 50। लेकिन जब हमने वहाँ के लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि उनको जट्रोफा की जगह कुछ फ्रूट ट्रीज लगा दिए जाएँ, उसके अलावा टिम्बर यील्डिंग ट्रीज हो, पाउडर यील्डिंग ट्रीज हो, तो वो उनकी डिमांड पर फिर मैंने वो ट्रीज लगाई और जट्रोफा 4,000 की जगह 400 लगाए और बाकी प्लांट्स लगाए जैसे एप्पल ट्रीज हो, आपने वॉलनट भी करना हो गया, पाइन स्ट्रॉक्स हो जाए, लीची है, अल्मस ट्रीज है, इस तरह से बीच है, उनके तरफ हो गया, ताकि लोगों की डिमांड पूरी की जाए। फिर जब मैंने ये काम किया तो मुझे ये एहसास हुआ कि अब ये हम काम करके छोड़ दें तो फिर इसका क्या हासिल होने वाला है, इसकी मेंटेनेंस, इसकी देखभाल, क्योंकि मुझे ये काम अपनी कमेंसिटी या इस तरीके से किसी ने changes। अगर ये छोटी छोटी बातें हम करेंगे तो हम इससे काफ़ी हद तक जो है इन्वायरमेंट